हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देवऋषि भारद्वाज। टुडेज मैथ क्वेश्चन फॉर यू इज बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस अ वेंडर सफर्स ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, फाइंड हिज लॉस परसेंट। देखो, जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है। देखो, 36 ऑरेंजेस को सेल करता है एक वेंडर, ठीक है, तो उससे उसको क्या होता है, लॉस होता है। कितना लॉस होता है, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, दैट मीन्स 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो हमको बताने कि लॉस परसेंट कितना है। तो देखो, जो लाइन इसमें कही गई है उसको मैथमेटिकल तरीके से सबसे पहले पुट करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि 36 ऑरेंजेस को क्या करता है, सोल्ड करता है, ठीक है ना, बेचता है, तो उससे उसको लॉस होता है। अगर देखो, लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जनरली लॉस हम कैलकुलेट करते हैं कि CP में से SP को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर कितने ऑरेंज है, 36 ऑरेंज है, तो 36 ऑरेंज के कॉस्ट प्राइस में से 36 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, दैट मीन्स हम कह सकते हैं 36 CP माइनस 36 SP, इससे क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। और लॉस कितना हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, दैट मीन्स इक्वल टू 4 SP। मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से बता रहा हूँ इसको। देखो, 36 ऑरेंजेस के कॉस्ट प्राइस CP में से 36 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस को माइनस करने पर लॉस आएगा, जो कि कितना है, 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के इक्वल इक्वल टू 4 SP। तो ये लाइन हमने मैथमेटिकल तरीके से पुट कर दी। अब बस लाइक टर्म्स को एक तरफ, 36 CP लेफ्ट में है और ये 36 SP और 4 SP ये एक साइड ले जाएंगे, तो 36 माइनस का राइट जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 36 एंड 4 40 SP। अब देखो, CP अपॉन SP इज इक्वल टू 40 अपॉन 36। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी मैंने कैसे किया है, अदरवाइज आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आ जाएगा। देखो, CP और ये SP लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ऐसे ही 40 तो राइट साइड में ऑलरेडी है, 36 राइट में जाएगा तो डिवाइड में पहुँच गया। अब हमको क्या करना है, देखो 40 अपॉन 36 है, इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या होगा, दोनों ही 4 से कट हो रहे हैं, 4 से 10 टाइम 40, 4 से 9 टाइम 36, तो 10 अपॉन 9 आ गया। अब हम करते हैं थोड़ा, अब यहाँ पर समझो कि अगर ये 10 अपॉन 9 है CP अपॉन SP, तो मैं बोल सकता हूँ कि CP इज इक्वल टू कितना, 10x, x लगाने को रह गया है बस, और SP कितना हो गया, 9x। बस ये हम रेशियो हटाते हैं या फ्रैक्शन हटाते हैं तो x वगैरह ऐसा कुछ लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब हमको फाइंड करना है लॉस परसेंट। क्वेश्चन में पूछा था कि लॉस परसेंट कितना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, ये हमने वेल फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो, CP कितना है, इसको देखो, CP यहाँ से 10x यहाँ पर रख दिया, SP कितना है, 9x, तो 9x, तो 10x माइनस 9x अपॉन 10x, CP की जगह ये वाली CP की जगह 10x मल्टीप्लाई 100। अब देखो, 10x में से 9x को माइनस करेंगे तो x रह गया, अपॉन 10x मल्टीप्लाई 100, x से x कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, x से x कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और 10 से 100 10 टाइम, तो 10% आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने ये सॉल्व किया है, बहुत ईजी पड़ जाता है इस मेथड से, जो लाइन मैंने लिखी थी, ठीक है, जो लाइन थी इससे बहुत इजी पड़ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, और यहाँ पर ऐसे एक्स करके करना बहुत इजी हो जाता है। सो ये इजी मेथड लगता है मुझे करना, यही मैंने आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया आपको। नाउ ऑन द बेस ऑफ सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज बाय सेलिंग 8 dozen पेंसिल्स अ शॉपकीपर गेंस द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 dozen पेंसिल्स, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी सॉल्व किया है, 8 dozen पेंसिल्स को सोल्ड करता है तो उसको यहाँ पर गेन हो रहा है कितना, 1 dozen पेंसिल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो हमको बताना है गेन परसेंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने आंसर को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।